अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरदार नुमान और मेरे जितने भी पाकिस्तानी अपने पैसे ज़ाया कर चुके हैं सुजुकी ऑल्टो पे, किया पिकांटो पे, सुजुकी वैगनार पे, सुजुकी कल्टस पे, आज ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ डायट्सू मीरा और इस गाड़ी में वो ऑप्शन है जो इनमें से किसी गाड़ी में आपको पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले इस गाड़ी की कंडीशन की बात करते हैं तो ये गाड़ी है 5A ग्रेड की। 5A ग्रेड मिलना बहुत मुश्किल है, लेक्सस 570 को भी, ZX को भी और प्राडो को भी 5A ग्रेड की गाड़ी बहुत मुश्किल है आपको पाकिस्तान में मिले, छोटी गाड़ी में तो इम्पॉसिबल है। ये गाड़ी टोटल 8200 किलोमीटर ड्रिवन है और ये गाड़ी जो है टोटली अनटच है। अगर हम इस गाड़ी के ऑप्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको इसमें और इस गाड़ी का जो इंजन है ये 660cc है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसका टायर प्रोफाइल है 155/65/14। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर और अगर आप गाड़ी के बैक साइड पर आ जाएं तो आपको रियर स्पॉयलर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है और रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है, मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखें आप ज़रा गाड़ी का इंटीरियर, क्या खूबसूरत इंटीरियर है इस गाड़ी का। और इस गाड़ी में जो इसकी लेदर कवर है इसके सीट्स के मुझे बहुत पसंद है ब्राउन कलर के। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें रिट्रैक्टेबल मिरर मिल जाते हैं, पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, पावर विंडोज़ लॉक का बटन दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ का है, रडार ऑन ऑफ का है, ऑटो हेडलाइट्स का है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन मिल जाता है। और ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये आपको पाकिस्तानी किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेंगे, ना सुजुकी ऑल्टो में, ना वैगन आर में, ना कल्टस में और ना ही किया पिकांटो में। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये भी बहुत सॉफ्ट हैं और इस गाड़ी के अंदर एक और भी बड़ा मजे का फीचर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर रिकॉर्डिंग कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ से आप इसका ये फ्रंट कैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके रियर जो कैमरा इसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जिसकी रिकॉर्डिंग ये सेव हो जाएगी इसके SD कार्ड में। इस गाड़ी के अंदर 2 कप होल्डर्स हैं, एक इसकी राइट साइड पे, एक इसकी लेफ्ट साइड पे है। 2 एयरबैग्स हैं, एक इसके स्टीयरिंग में और एक इसके फ्रंट डैशबोर्ड में है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है और जो इसका स्पेस है इंटीरियर का वो भी बड़ा अच्छा है। आए अब आपको इसके रियर सीट्स का स्पेस दिखाता हूँ। इसकी रियर सीट्स में बड़ा अच्छा स्पेस दिया गया है, बहुत अच्छा लेग रूम है और हेडरूम भी इस गाड़ी का बेहतरीन है। इसकी जो बैक सीट्स है इस पर ये पावर विंडोज दी गई हैं, इसको आप बटन से ओपन या क्लोज कर सकते हैं ऐसे। और इस गाड़ी के अंदर जो ट्रंक स्पेस है वो भी बड़ा बेहतरीन दिया गया, आपको दिखाता हूँ। ये इसका ट्रंक स्पेस देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 छोटे बैग रख सकते हैं आप। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता, उसकी जगह आपको पंप मिल जाता है और यहाँ पर जैक रॉड पाना दिया गया और ये इसकी पंचर किट दी गई है। अगर हम इस गाड़ी की एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको लोकल पे 2021 की एवरेज दे देगी। अब इसके मीटर में देख सकते हैं ये गाड़ी अभी भी आपको 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। और अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाह रहे हो तो मेरा वीडियो में नंबर दिया गया है, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 3550 है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।